गाइस मार्केट गई थी, सो मैं मार्केट से ये सारी चीजें लाई हूँ। बट अभी भी कुछ अल्फाबेट ऐसे हैं जो अभी तक है नहीं मेरे पास। आई डोंट नो क्या होगा, मेरे पास जेड नहीं है, मेरे पास बी भी नहीं। हे गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी पायल। सो गाइस आज मैं कर रही हूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर का फूड चैलेंज ए टू जेड तक। सो आज हम जो भी 24 आवर्स खाएंगे वो ए टू जेड तक खाएंगे ऑर्डर्स में, पहले ए देन बी सी डी करके ऐसे पूरा जेड तक खाएंगे। सो गाइस ये वाला चैलेंज वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में था, सो मैंने सोचा क्यों ना ये चैलेंज मैं भी करूँ। एंड सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ। सो यहाँ मैंने सोचा क्यों ना ये चैलेंज वीडियो मैं भी करूँ। सो मॉर्निंग में हमने ईद तक कंप्लीट कर लिया था। वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमने इस मॉर्निंग में क्या क्या खाया था। सो गाइस ए से मैं खा रही हूँ अनार, ये अनार के दाने, ए फॉर अनार। ज़्यादा नहीं खाऊंगी, थोड़ा थोड़ा खाऊंगी। सो गाइस ए से मैंने खाया था अनार, बी से अब मैं खाऊंगी बेसन के लड्डू, बी से बेसन का लड्डू। मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बी से बेसन का लड्डू, अब बारी है सी और डी की। सो गाइस मैं डी एंड सी साथ में करूंगी। सो मैं डी एंड सी से खा रही हूँ दाल एंड चावल। सो यार डी एंड सी करते हैं क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मैंने अभी तक सुबह से कुछ खाया नहीं है। सो यार डी एंड सी से मैं खा रही हूँ दाल चावल, मेरे फेवरेट है दाल एंड राइस, नहीं दाल एंड चावल राइस नहीं। तो नेक्स्ट गाइस ई से खा रही हूँ मैं ये इमली झटका, ई फॉर इमली झटका। एंड गाइस सीरियसली ये बहुत अमेजिंग टॉफी है, किस किसने खाई है कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिसने नहीं खाई है अगर आपके वहाँ मिलती हो तो ज़रूर ट्राई करना। ये एक बार खाओगे ना भूल नहीं पाओगे इस टॉफी को, बहुत ज़्यादा खट्टी है ये। सो ई से मैं खा रही हूँ इमली झटका। सीरियसली गाइस ये टॉफी बहुत ज़्यादा खट्टी है, अगर आपने ट्राई किया तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मैंने मॉर्निंग में ई तक कंप्लीट कर लिया था, सो अभी मेरा एफ से बाकी है। मैंने कोई भी प्रिपरेशन पहले से करके नहीं रखी थी, मैं एंड टाइमिंग पे सब कुछ कर रही हूँ, थोड़ी बहुत जो प्रिपरेशन थी वो हो गई थी। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं एफ से कुछ लेने, एफ से मेरे पास कुछ था नहीं एंड एक दो और वर्ड्स है जिनसे मेरे पास कुछ था नहीं, सो उनके लिए भी लेने जा रहे हैं हम लोग। सो यहाँ देखते हैं क्या क्या मिलता है, मुझे ऐप से चाहिए और दो तीन और वर्ड्स हैं उनसे भी चाहिए, उनसे भी मेरे पास कुछ है नहीं। सो यार गाइस मार्केट गई थी, सो मैं मार्केट से ये सारी चीज़ें लाई हूँ। बट अभी भी कुछ अल्फाबेट ऐसे हैं जो अभी तक है नहीं मेरे पास। आई डोंट नो क्या होगा, मेरे पास जेड नहीं है, मेरे पास बी भी नहीं है और एक दो और है जो मेरे पास नहीं है, अब मुझे नहीं पता क्या होगा। ओके हमने ई कंप्लीट कर लिया था, ई के बाद बारी थी एफ की। सो एफ से मैं लूँगी फ्रूटी, एफ फॉर फ्रूटी। सॉरी गाइस अगर आपको साउंड आ रहा होगा तो, एंड काफ़ी रिलीफ मिल रहा है, धूप में गए थे थक गए, सो फ्रूटी पी के काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो गाइज ऐप से मैंने फ्रूटी ली थी, अब बारी है जी की। जी से मैं ले रही हूँ जैम्स, ज़्यादा नहीं खाऊंगी बस थोड़ा ही खाऊंगी क्योंकि 19 अल्फाबेट और खाने हैं, इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी नहीं तो मेरा पेट ना एकदम फुल हो जाएगा, मुझे 19 अल्फाबेट और खाने हैं अभी। गाइज नेक्स्ट है एच, एच से मैं खाऊंगी हाजमोला। एंड गाइज इस चैलेंज में ना आपके पूरे मुँह का टेस्ट बिगड़ जाता है, मतलब आपको समझ नहीं आता आपके क्या टेस्ट है, कभी मीठा खाओ, मीठा खाने के बाद तीखा खाओ, चटपटा खाओ, जेम्स खाया देन जेम्स के बाद हाजमोला खाना पड़ रहा है, मुँह का स्वाद ही चेंज हो गया, मतलब किसी चीज़ का स्वाद ही नहीं आ रहा, ये चैलेंज में पूरा स्वाद बिगड़ जाता है। गाइस आई से मैं खा रही हूँ आइस क्यूब्स। मुझे आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है। सो गाइस नेक्स्ट जे, जे से मैं खा रही हूँ जैम, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही।
पाइनएप्पल वाला जीप लग रहा है, मैंगो वाला ज्यादा टेस्टी लगता है। सोया जयपुर मेरा जैम कंप्लीट हो गया है, तो ओके इसे मैं खाऊंगी क्रैक चेक, क्रैक ज्यादा नहीं खाऊंगी, सिर्फ इतना सही खाऊंगी। तो गाइज एल के लिए मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, एल फॉर लॉलीपॉप एंड एल फॉर ये लाल जीबान। सोया मैं इन दोनों को ट्राई करूंगी, लाल जीबान को ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ मैं, एल फॉर लाल जीबान। ये कैसा दिखता है? सो गाइज ये रहा एल फॉर लाल जीबान, ये है ना जो पान के अंदर जो मसाला मिक्स करते हैं ना, ये वो मसाला है पूरा। सो या एल फॉर मैं ये खा रही हूँ लाल जीबान। इधर सच में मेरी जबान लाल कर दी। माता रानी जैसी दिख रही है यार सच्ची में, इसका नाम है लाल जीबान और इसने सीरियसली मेरी जबान लाल कर दी। सो गाइज नेक्स्ट है एम, एंड एम फॉर मैं खा रही हूँ माई फेवरेट मोमोज, चिकन मोमोज। आई लव चिकन मोमोज, चटनी काफी तीखी है, चटनी काफी तीखी है। सो गाइज मैंने एम फॉर खा लिया मोमोज, सो गाइज मैंने एम तक खा लिया था, एम से मैंने मोमोज खाया था। नेक्स्ट आता है एन, एन से मैं खाऊंगी नारियल, एंड नेक्स्ट ओ, सो मैं ओ से ओरियो खाऊंगी, एंड पी से ये खाऊंगी पॉप रिंग्स। सो या एंड फॉर नारियल खाऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा ही खाऊंगी। नेक्स्ट ओ, ओ से ओरियो, आई लव ओरियो, मुझे ओरियो बिस्कुट काफी पसंद है, बड़े काफी मीठे होते हैं। सो गाइस ओ से मैंने खाया ओरियो, नेक्स्ट मैं पी से खाऊंगी ये पॉप रिंग्स, ये बालाजी के हैं पॉप रिंग्स। कितना अजीब है ना, पहले मीठा खाओ देन मीठा खाने के बाद तीखा खाओ, चैलेंज में ना पूरा मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है। अरे इसकी स्मेल काफी अजीब आ रही है, मुझे चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसमें चीज है, इसकी स्मेल काफी वियर्ड सी आ रही है, आई डोंट लाइक इट। नेक्स्ट है क्यू, मैंने सोचा मैं क्यू भी कंप्लीट कर ही लेती हूँ। क्यू से मेरे पास है ये क्वालिटी चिली मिली, ऐसा नाम है क्वालिटी करके, क्वालिटी चिली मिली। सो यहाँ मैं क्यू भी कंप्लीट कर ही लेती हूँ अभी, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और अभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अल्फ़ाबेट खाना है तो टाइम हो जाएगा, इसलिए क्यू भी मैं कंप्लीट कर ही लेती हूँ। पेट में जगह तो नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा खाई लेती हूँ। यू तक कंप्लीट कर लिया है, अब मैं नेक्स्ट आपसे आर पे मिलती हूँ, एंड मैंने डायरी में सारा लिख के रखा है ए टू जेड तक। सो या यू तक कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट मैं आपसे आर पे मिलती हूँ, देखते हैं आर पे क्या खाते हैं। मेरे पास आर के लिए अभी कुछ है भी नहीं और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा मैं आर के लिए क्या खाऊं। देखती हूँ भाई से बोलती हूँ या फिर पापा से किसी से बोलती हूँ कि आर से कुछ ढूंढे, मेरे पास अभी आर से खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सो या ढूंढ के मिलते हैं आपसे आर पे क्या खाते। सो गाइज हमने क्यू तक कंप्लीट कर लिया था, अब बारी है आर की। सो आर के लिए मैं खा रही हूँ ये राजू इलायची, हाँ राजू इलायची। आर के लिए काफ़ी ढूंढा कुछ मिल नहीं रहा था, रसना का ऑप्शन था बट पास की शॉप पे रसना अवेलेबल नहीं था, तो वंटी ने बोला ये राजू इलायची ले लो। सो आर फॉर राजू इलायची, ये ऐसी है, मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, मैं ये सारी चीज़ें खाती नहीं हूँ क्योंकि सिर्फ चैलेंजेस लिए थोड़ा सा, बाकी ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और मैं खाती बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो गाइज आर के बाद एस, एस के लिए मैं खा रही हूँ सोन पपड़ी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी सिर्फ थोड़ी सी, एंड आई लव सोन पपड़ी। एस फॉर सोन पपड़ी, तो गाइज ऐसे सोन पपड़ी खाई थी, एंड सोन पपड़ी के बाद मैं टी एंड यू साथ में करूंगी,
सो टी से टमाटर सॉस, एंड यू से उत्तपम, उत्तपम या उत्तपा जो भी कहते हैं वो, एंड टी से एक और ऑप्शन है मेरे पास थम्सअप, सो मैं टी एंड यू साथ में करूंगी, टमाटर सॉस, थम्सअप एंड उत्तपा। सो या गाइस, एंड क्या बार बार एक ही शब्द बोलना, अभी मीठा खाया, मीठे के बाद वापस ही खाना है, इजी नहीं है ये चैलेंज। सो गाइज मैं टी एंड यू साथ में कर रही हूँ, टमाटो सॉस एंड उत्तपम। काफी टेस्टी है, टी फॉर थम्सअप। सो गाइज टी एंड यू कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है वी की, सो वी से मैं लूंगी विक्स। सो वी फॉर विक्स। अब बाकी है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, चारों डिफिकल्ट वर्ड्स। अब देखते हैं हम डब्ल्यू से, एक्स से, वाई से एंड जेड से क्या खाते हैं। क्या था, अब बारी है डब्ल्यू की, सो डब्ल्यू से मैं खाऊंगी विल्स, डब्ल्यू फॉर विल्स, सोया विल्स खाऊंगी मैं, एंड ये मेरे फेवरेट है, मुझे काफी पसंद है, डब्ल्यू फॉर विल्स। अब आ रही है सबसे हार्ड वर्ड की, एक्स की, अब एक्स से हम क्या खाते हैं। सो गाइस एक्स फॉर मैं खाऊंगी जिकुवा। आप में से बहुत से लोग बोलेंगे अरे ये तो वाटरमेलन है, अरे ये तो तरबूज है, सो यस गाइज ये तरबूज है, बट इसे कोई सी तो भी लैंग्वेज में जिगुआ कहते हैं, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ जिगुआ। मैं आपको वो स्क्रीन पे स्पेलिंग दे दूंगी, आप नेट पे भी चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा, इसे कोई कोई सी तो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में इसे जिगुआ कहते हैं। सो या एक्स फॉर मैं खा रही हूँ जिगुआ, मुझे एक्स से कुछ भी नहीं मिला, एंड एक्स फॉर ये था जिगुआ। सो गाइज एक्स फॉर मैं खा रही हूँ जिगुआ। मीठा है काफी। सो या गाइस एक्स फोर मैंने खा लिया जिगुआ, अब बारी है वाई एंड जेड की। सो वाई के लिए मेरे पास है ये यो हो टॉफी, मेरी टॉफी है चाहिए, वाई फॉर यो हो। सो या गाइस अब बारी है जेड की, सो जेड के लिए देखते हैं, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है और कुछ मिल भी नहीं रहा है। हे गाइस सो मैंने सारे अल्फाबेट खा लिए, बट लास्ट का जेड बाकी है, एंड जेड से कुछ भी मिल भी नहीं रहा था और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, मुझे लगा कि हाँ बस हो गया, अब मेरा चैलेंज यहीं ख़त्म हो जाएगा, मुझे जेड से कुछ भी नहीं मिल रहा था। बट हम लोगों ने फिर नेट पे सर्च किया एंड यूट्यूब पे देखा, सो हमें वहाँ पर एक रेसिपी मिली, सो जिसका नाम है जरदा। ये एक पाकिस्तानी रेसिपी है, इसे मीठे चावल भी कहते हैं। सो गाइज ये कुछ इस तरह से दिखता है, पूरे इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं एंड ये मीठे राइस रहते हैं। सो मैं जेड से खाऊंगी जरदा, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, सो जेड फॉर जरदा। काफी ज्यादा टेस्टी है। सो या गाइज मैंने चैलेंज पूरा कंप्लीट कर लिया, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। एंड गाइज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, आप लोग बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखते हो बट लाइक नहीं करते, सो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। एंड गाइज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो या मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।